जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फाइव एफ ए आर टू पसंद करेंगे, वन टू। अच्छा इंशाल्लाह एफ ए आर टू सारे। अच्छा लेक्चर नंबर वन, आप में से किसी ने तारुफ कराना हो अपना? आपने कराना है? अच्छा क्लास के बाद चलो पर लग गए आपको। अच्छा जी ठीक है, फॉर्मली शुरू करते हैं। अब इसमें जो ग्रिड वगैरह है सिलेबस की, वो भी मेरे ख्याल से शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो आपको पता ही नहीं अगले कौन से हैं, तो इसलिए भी ग्रिड शेयर करने का फ़ायदा नहीं। हम ऑनलाइन के बारे में कुछ चीज़ें आपसे मैं जनरल शेयर कर लूँ, थोड़ा सा ना फेमिलियर हों डायरेक्ट लैपटॉप पे या डेस्कटॉप के ऊपर चीज़ें करने की, क्योंकि मेरी कोशिश होगी फिजिकल वालों को भी टेस्ट के क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन ऑनलाइन ही अवेलेबल करूँ। हाँ इधर हार्ड फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे, लेकिन आप थोड़े से फेमिलियर हों उसमें। पीडीएफ को यूज़ करने की बजाय ना वन नोट यूज़ करें घर में, ताकि आपने कोई भी चीज़ ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं और नोट करनी है तो आपके लिए आसानी हो। तो उसका तरीका ये है कि आप सिंपल कंट्रोल एस्केप का बटन दबाते हैं ना, अब ये आ जाती है, शॉर्टकट्स तो पता है ना। तो यहाँ सर्च में जाके आपने जो है लिखना है वन नोट। अच्छा आपने वन नोट लिखना है, तो ये जो वन नोट है इस किस्म की एक विंडो आपकी ओपन हो जाएगी वन नोट की। अच्छा एक वन नोट है जो कि अवेलेबल है फॉर विंडोज़, और एक वन नोट है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला भी ठीक है, लेकिन मैंने जो इस वक्त खोला हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ में आता है, और इसके ऊपर लिखा होता है वन नोट फॉर विंडोज़ 10। ये मैंने खुद शो नहीं किया हुआ ताकि नीचे वाला टेक्स्ट नज़र आए, वन नोट फॉर विंडोज़ 10। अच्छा इसमें फिर यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपको नज़र आता है ऐड सेक्शन। आखिरी रो में खड़े होकर देख लें, मैं इधर लिखूँगा तो कोई चीज़ें नहीं, लेकिन अभी नज़र नहीं आएगा इसलिए कह रहा हूँ ऐड सेक्शन। आप ऐड सेक्शन करेंगे सेक्शन ऐड हो जाएगा, सेक्शन ऐड करने के बाद आप करेंगे ऐड पेज। आप समझ लें ये फोल्डर हैं और ये फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं, आप करेंगे ऐड पेज। अब जब आप ऐड पेज कर देंगे, ये मैंने प्रेस किया ऐड पेज, तो ये एक ब्लैंक पेज आपके सामने आ गया। अब आपने मिसाल के तौर पे कोई भी पीडीएफ की फ़ाइल है उसको आपने उठाना है, ये एक पीडीएफ की फ़ाइल है, ये मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ इंसर्ट एज प्रिंट आउट। तो जब इसको इंसर्ट एज प्रिंट आउट कर देंगे तो ये पीडीएफ वाली फ़ाइल वन नोट के अंदर आपके पास आ जाएगी। अब जब ये फ़ाइल आपके पास आ गई तो यहाँ से आप एक्सपेंड कर लें, ये किसी भी सब्जेक्ट की फ़ाइल है ABC, तो ये जब फाइल आपके पास आ गई तो इसको आप जो है वो यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, टच ना भी पेन हो आपके पास अवेलेबल कोई मसला नहीं। और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं कि टीचर लिखवा रहे हैं, आप चाहते हैं मैं यहाँ कुछ लिखूँ, तो आपने सिंपली यहाँ आके प्रेस करना है जो राइट लेफ्ट पे स्क्रीन है। ये वर्ड या एक्सेल की तरह नहीं होगा कि आपको किसी सेल में या लाइन में जाना पड़ेगा, और आप रैंडम जहाँ मर्जी टाइपिंग शुरू कर दें वो टाइपिंग शुरू हो जाएगी। यानी ये आपका लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन चल रहा है, आपने उसके बारे में कोई चीज़ लिखनी है, और ये आपका नीचे सॉल्यूशन चल रहा है उसके बारे में कोई चीज़ लिखनी है। जो भी चीज़ आपने लिखनी है आप इस तरीके से लिख सकेंगे। क्लियर? अच्छा अब कुछ चीज़ें, तो इससे अगर आप फेमिलियर हो जाएंगे तो टेस्ट के क्वेश्चन और सॉल्यूशन अगर आपके पास ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे तो आप उनको इजीली एक्सेस कर सकेंगे। कॉपीज किसी को ना मिली हो तो हाथ खड़ा कर दें, और जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं वो कॉलेज तशरीफ अगर ला सकते हैं तो वो कॉलेज में आके अब्दुल्ला नाम के एक TA हैं, उनसे जो है वो IS 38 के नोट्स ले सकते हैं। अच्छा जी पहला सवाल आपका होता है जी बुक कब आएगी? भाई जान बुक थोड़ा सा शुगल के मूड में कह सकते हैं ना, कोई मसला नहीं, माइंड तो नहीं करते। बुक देखें आपके मैसेज करने से नहीं आ जाएगी कि बुक कब आ रही है, बुक कब आ रही है, तो इस तरह मैसेज करने से बुक नहीं आएगी, जब आनी है तभी आनी है। अनलकीली हाँ पेपरों से पहले ही आ जाएगी, अनलकीली 3 या 4 दिन पहले ICAP ने अपनी बुक जो है वो पब्लिश की है कैफ 5 की। सिलेबस में चेंज तो ऐसा सच नहीं आई, लेकिन ICAP ने स्टैंडर्ड के काफ़ी पैराज ऐड कर दिए हैं, तो अब उसकी वजह से ऑब्वियसली मुझे कम से कम 6 से 7 दिन तो लगेंगे बुक को बनाने में जो हमने यूज़ करनी है। IS 38 का चैप्टर मैंने फाइनल कर दिया नई बुक को देख के, वो आपके पास इस वक्त नेक हाथों में मौजूद है, और 6 से 7 दिन मुझे लगेंगे, 5 से 6 दिन प्रिंटिंग में लगेंगे, तो ऑन सेफ एंड 15 से 20 दिन, 16 नहीं 15 से 20 दिन आप जो है वो जहन में रखें। ओके
आपको नोट्स दे दिए और ऑनलाइन वाले आप कॉलेज आके प्रिंट लें, नहीं ले सकते तो फिर कहीं से आप प्रिंट करवा लें, आप क्या हो सकता है, वरना वन नोट यूज़ करना मैंने उनको बता दिए जिस तरह करना है। दुनिया ऑनलाइन जा रही है, हो जाओ ऑनलाइन। अच्छा, इसके बाद जो है वो ये कितने सफ़े हैं वैसे, बाहर से प्रिंट कितने का फोटो कॉपी? सफ़े तो ज़्यादा ही हैं, 48 पेजेज हैं। अल्लाह भला करे आपके साथ वाले का। अच्छा, और जैसे आपसे कन्वे कर दिया था जूम के ऊपर जो है, आप रात को नहीं फरमा रहा, जूम के ऊपर जो है वो हफ्ते में एक जो है वो मीटिंग हो जाया करेगी, जिसमें आपके जो भी क्वेरीज होंगी उनको नोट करते रहें। उम्मीद है जो होमवर्क होगा वो अगली क्लास में वैसे ही डिस्कस हो जाएगा। चलो यार, ये वाली बातें तो ख़त्म नहीं होनी, हम शुरू करते हैं पढ़ना। कोई आज तो क्या, अच्छा नहीं भाई, सिलेबस को ख़त्म करना है टाइमली, तो इसलिए। अच्छा जी, IS 38 आपने जो IS 16 पढ़ा हुआ है वो टेंजेबल आइटम्स को डील करते हैं या इनटेंजेबल्स को? टेंजेबल क्या है? खड़े हो, खड़े हो। ये टेंजेबल, ये टेंजेबल, बैठ जाएं भाई जान। ये आपने बोंगी मारी है, आपने भी बोंगी मारी है, आपने भी बोला था ना टेंजेबल, आपने ही बोला था ना टेंजेबल। टेंजेबल से पहले मुझे बताएं, अगला सवाल, खड़े हो जाओ, ये एसेट है तो एसेट होंगे तो टेंजेबल होंगे ना, बैठें, एसेट होंगे तो टेंजेबल होंगे। एसेट के लिए शायद आपने पढ़ा हो IS 16 के अंदर आपका उसके ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है, ठीक है। आजकल वालदैन का बच्चों पे कंट्रोल है, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल, एम्प्लॉय छोड़ के जा सकते हैं? अच्छा, अगर एम्प्लॉय से बॉन्ड साइन करवा लेंगे तुम 2 साल तक छोड़ के नहीं जाओगे तो भी छोड़ के जा सकते हैं? तो भी छोड़ के जा सकते हैं, जाते हुए कोई जुर्माना पे कर देगा या कोई कोर्ट केस हो जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय तो छोड़ के जा सकता है, कोई मसला नहीं। जाने वाले ने तो जाना है, चाहे उससे लिखवा लो चाहे जो मर्जी करवा लो, ठीक है, उसने तो जाना है। तो भाईजान, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉयज हैं क्या वो हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं? क्या हम बैलेंस शीट में शो कर दें सिक्योरिटी गार्ड? क्या हम बैलेंस शीट में शो कर दें ऑफिस बॉय? अभी आप हजरात फरमा रहे थे टेंजेबल है, मैंने टच किया, आपने कहा टेंजेबल है, तो मोहतरम एसेट ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें IS 38, मैंने माना, पता चला कि आपको टेंजेबल्स भी नहीं पता तो सबसे पहले IS 38 में हम मेरे ख्याल से एसेट की बात कर लें, इससे पहले कि हम इनटेंजेबल की बात, इनटेंजेबल तो दूर की बात, पता चला आपको एसेट का भी नहीं पता। तो जी पहले सफे पे आए, एसेट साहब मौजूद हैं? मौजूद हैं एसेट साहब? जिन हजरात के पास वन नोट की फैसिलिटी है घर में, हाईलाइट अभी करने की कोई जरूरत नहीं, कोई ऐसी चीज लिखवानी हुई मैं लिखूंगा, बस वो नोट से देखें। अच्छा, एक यार सादा सी कमांड है, आप पता नहीं मुझे समझ नहीं आती बच्चे ये भी क्यों नहीं यूज करते, ये ऑल टैब है, ऑल टैब। तो आप लेक्चर सुन रहे हैं, साथ ऑल टैब दबा दें, तो ऑल टैब दबा देंगे आप दूसरी विंडो पे चले जाएंगे, और लेक्चर आपने पॉज करना है, ये पॉज का बटन दबा दिया, पॉज, ये जो स्पेस है, स्पेस बार, तो स्पेस बार नहीं समझ आ रही, सबसे बड़ी जो की होती है कीबोर्ड पे तो सबसे बड़ी जो कीबोर्ड पे की होती है उससे दबा देंगे तो चलता चलता लेक्चर रुक जाएगा, और जब आप ऑल टैब करेंगे तो आप दूसरी विंडो के ऊपर आ जाएंगे, कोई लिखी हुई चीज़ आप लिख लेंगे, ठीक है। अब्दुल्ला, कॉपीज किसी को चाहिए? भाई के लिए चलें ले जाए साथ वाले कमरे में। तो ऑल टैब करके आप विंडोज के अंदर मूव कर सकते हैं, एक विंडो से दूसरी विंडो, फोल्डर से फाइल के, हाँ भी मूव कर लें, तो साथ साथ आप लेक्चर देख सकते हैं, साथ साथ ऑल टैब करके ये कर सकते हैं, लेकिन लेक्चर को पॉज करके जाइएगा, लेक्चर आगे चला जाए, आप उस सफे पे आगे कुछ लिख रहे हो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। आप भाई मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, एसेट क्या है जी? सबसे पहले सफे के ऊपर एसेट क्या है? एसेट इज अ रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय अ कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी, ठीक है जी। तो AC ये जो लगा हुआ है, इज इट एन एसेट? जी बिल्कुल एसेट है। ये एसेट क्यों? कंट्रोल्ड बाय द कंपनी। ये भाई जाते हुए दो बंदों को साथ में लाए, चलो यार शाम होगी उतार यार चल यार, तो सिक्योरिटी गार्ड क्यों रोक लेंगे? कहेंगे हमारा कंट्रोल है, हमारा इस पर कब्जा है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। क्या ये पैदा हुआ था?
खरीदा था, खरीदा था, इसका बिल मौजूद होगा एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो कॉलेज वालों के पास कंट्रोल है इस एसेट का, क्योंकि कॉलेज वालों ने इसको पास्ट में क्या किया था, खरीदा था, एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर कुछ फ्लो कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू फ्लो, क्या फ्लो कर रहा है इसमें से, हवा फ्लो कर रही है, अच्छा विच आर, तो विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू फ्लो का ये मतलब है कि ऑब्वियसली एसी है, बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिलके एक जगह पे होंगी तो उसको आप कहेंगे क्लासरूम। क्लासरूम सा रूम दिखता हुआ नजर आएगा तो फिर आप उस क्लास में आके एंटर होंगे और उन स्टूडेंट्स से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो एसेट है वो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को क्या देता है, बेनिफिट्स, एक्सपेक्टेड टू फ्लो, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स मिलते हैं। इनमें से कोई चीज़ आपने याद नहीं करनी, ये आपने आज ही, अब्दुल्ला अगर आप दूसरी क्लास में हैं तो इधर तशरीफ ले आएं, आपने आज ही आईकैप की वेबसाइट पे जाना है, बाद में मेरे से एड्रेस ना पूछने आइएगा इसका, आपने आज ही आईकैप की वेबसाइट पे जाना है और आईकैप की वेबसाइट पे जाके लिख लें आपने IFRS, नहीं मेंबर्स के लिए मैं नहीं जाना, आपने IFRS बाय करने हैं। क्या बाय करनी है? IFRS। वो जो IFRS आप बाय करेंगे जब आपके घर पहुंचेंगे, तो भाई दूसरी क्लास में जो TA हैं वो अब्दुल्ला को बुला लें जहां भी पाए जाएं। पार्ट ABC, इसमें आपको तीन पार्ट्स मिलेंगे, तीन बुक्स होंगी मोटी मोटी घर वालों पे प्रेशर डालने के लिए। ये जो IFRS आप बाय करेंगे, ये आपने बाय करके जो है वो अपने पास रख लेने हैं। इसके जो पैराज हैं वो मैं आपको टिक करवाता रहूँगा। आप तो शायद FR1 में भी सुने IFRS लेके जाने की इजाज़त है, वो तो पुरानी बात होगी ना इंशाल्लाह, वो तो पासों पास बारों बार। तो IFRS में अगर आप IS-38 ढूंढेंगे, IS-38 आपको मिलेगा IFRS के पार्ट ए में, IFRS के पार्ट ए में। जब पार्ट बी या सी यूज़ करना होगा वो मैं बताऊँगा। IFRS का पार्ट ए खोलेंगे, पार्ट ए खोल के उसके अंदर आप ढूंढेंगे IS-38, शुरू में मिलेगा आखिर में मिलेगा 38। IS-2 पढ़ा हुआ इन्वेंट्रीज, वो बिल्कुल शुरू में मिलेगा, IS-16 उसके बाद, और IS-38 बिल्कुल एंड पे मिलेगा। तो इसमें आपको पार्ट ए जो है वो मिलेगा, पार्ट ए के अंदर IS-38 होगा, जो IS-38 पार्ट ए, नहीं सॉरी पार्ट ए में ना IFRS है, हाँ ठीक है, ए इसने आईकैप ने ऐसा कर दिया, अब A1 और A2 A1 में उसने डाल दिए हुए हैं IFRS और A2 में उसने डाल दिए हुए हैं IAS। आप जो बुक बाय करेंगे ना उसका नाम होगा IFRS, लेकिन उस बुक में ज़रा बाय करने का तरीका क्या है कि आपकी वेबसाइट पे जाने, आगे बताओ, सेल्स एंड पब्लिकेशन की टैब आ रही होगी जी, फिर आगे उसी के अंदर IFRS के ऑप्शन है। लास्ट टाइम कितने के खरीदे थे? 2900 रुपये के, ठीक है, तो कितने दिनों में घर आ जाते हैं? 7 डेज के अंदर आ जाते हैं। आईकैप जाके खरीद सकते हैं फिजिकली? No, भाई फरमाने आईकैप जाके नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो इसमें जो IFRS का पार्ट A1 होगा और A2 होगा, A1 में आपको IFRS मिलेंगे, A2 में IAS मिलेंगे। अब IFRS और IAS में फ़र्क बता दें, बुक का नाम तो बाहर IFRS लिखा होगा लेकिन IFRS और IAS में फ़र्क क्या होगा? IFRS कोई पढ़ा हुआ है आपने FR1 में? कोई IFRS नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा IFRS वर्ड सुना हुआ है? IFRS वर्ड सुना हुआ है। IAS सुना हुआ है? अच्छा पहले जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका नाम होता था, जो स्टैंडर्ड आता था उसका नाम होता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चंद सालों से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जगह नाम है IFRS। अब IAS-2 का नाम नहीं बदला क्योंकि वो एक दफा नाम पड़ गया तो वो IAS-2 है, वो पुराना इन्वेंट्रीज। IAS-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IAS-20 गवर्नमेंट ग्रांट्स और IAS-14 इन्वेस्टमेंट। ये सारे स्टैंडर्ड्स FR1 वाले आपको कहाँ मिलेंगे? IFRS बाहर बुक का नाम होगा, उसके अंदर तीन चार किताबें होंगी ABC, ए में एक किताब होगी A2, A2 के अंदर आपको क्या मिलेंगे? IAS, और A1 के अंदर क्या मिलेंगे? IFRS। अब IFRS की अगर बात करें तो IFRS 15, IFRS 16 ये हमारे सिलेबस में हैं और हमने इनको पढ़ना भी है, लेकिन फिलहाल आप पार्ट ए में A2 में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको IAS मिलेंगे
उसमें काफ़ी सारे IAS हैं, जैसे 2 है, 16 है, आप कह रहे हैं 40 हमने पढ़ा हुआ है, तो उससे पहले क्या आएगा बोलें, 20 भी पढ़ा हुआ है। बहरहाल मेरी तरफ से आपने सिर्फ 38 ढूंढना है। तो जिन्होंने लेट ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं उनको जो सामने 10-15-20 लेक्चर अपलोड हुए हुए हैं ना, शायद इनमें से भी कोई ऐसा हो जिसके साथ हुआ हो पास्ट में, उनको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करें क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलना। और एक बात आज पक्की सुन लें भाई जान, टाइम बिल्कुल नहीं है। आप अगर एक चीज़ भी छोड़ेंगे ना FAR 2 में, तो आप समझ लें मेरे ख्याल से जो IKF ने किताब में एडिशंस की है ना, उसकी वजह से कोई 5%, 3-4-5% सिलेबस बढ़ ही गया है जिस तरह उसने अन्य वह पैराज डाल दिए हैं। तो इसलिए आपने बस डेली आना है, रोज़ाना का काम रोज़ाना करना है। एक काम भी आप पेंडिंग छोड़ देंगे ना FAR 2 में, तो समझ लें बहुत देर हो जाएगी। और ये ऑनलाइन वाले स्पेशली अगर आगे के लेक्चर आप इनको नज़र आ रहे हैं अपलोड हुए हुए, तो जल्द अज़ जल्द कवर करेंगे तो चलेगा काम, वरना नहीं चलेगा। चलें ठीक है जी। अब IAS 38 जो है उसमें मोहतरम कौन सा पैरा होगा? 8। उसमें डेफिनेशंस आ रही होंगी। डेफिनेशंस में कौन सी डेफिनेशन है? एसेट की डेफिनेशन। ये आपको डेली IAS से टिक कर लें, बहुत अच्छा है। डेली ना कर सकें 2 दिन बाद टिक कर लें, वो भी ठीक है। बस आप 1-2 दिन बाद उस पर नज़र मारते रहें और नज़र मार के उसको टिक करते रहें जो जो चीज़ हमने क्लास के अंदर पढ़ी है। क्लियर? इसमें मैं आपको कोशिश करता हूँ अभी ना IAS 38 ओरिजिनल दिखा भी दूँ। वो किस फॉर्म में होगा? पार्ट ए IAS, IAS 38। क्या करेंगे इसको यहाँ से? तो भाई जान पहले ऐड पेज करेंगे, समझ आ रही है, याद आ रही है बातें? फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अच्छा जी, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड आपको ख़रीदने ज़रूरी हैं। प्लीज़ ये बार बार मैसेज ना पूछिएगा ना ख़रीदें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड से सीधी सीधी, खासतौर पे किन चीज़ों को कॉस्ट में डालना है एसेट की, किन को कॉस्ट में नहीं डालना, वो वहाँ से सीधी सीधी मिल जाती हैं। तो इसलिए पेपर में ये चीज़ें हेल्प आउट कर जाती हैं। अब्दुल्ला भाई चार्जिंग ज़रा लैपटॉप की लगवा दें। तो ये यार ये IAS है, IAS 38, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड से मैंने खोला है। इसमें IN इंट्रोडक्शन के कोई पैराज होंगे, इनको हम स्किप कर देंगे, इंट्रोडक्शन के पैराज चलते रहेंगे। जो भी स्टैंडर्ड आपने ढूंढना होगा ये वाला पेज ढूंढना होगा, ऑब्जेक्टिव और उसका स्कोप। स्कोप में जाके ये टिकिंग अभी से करते रहिएगा, आखिरी दिनों में फिर बर्डन पड़ जाता है सारे पैराज ढूंढना और टिक करना। हम कौन सा पैरा कर रहे हैं? 8। 8 में कौन सी डेफिनेशन? एसर की डेफिनेशन। अल्फाबेटिकली डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। अमोर्टाइजेशन AM से है, एसेट AS से है, इसलिए अमोर्टाइजेशन की डेफिनेशन पहले है, उसके बाद किसकी डेफिनेशन है? एसेट की। एंड सो ऑन, यहाँ पे डेफिनेशन है, कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट, डेप्रिशिएबल अमाउंट, वन बाय वन करके डेफिनेशन है। तो ये वो डेफिनेशन है जो फिलहाल हम अपने नोट से पढ़े हैं, लेकिन साथ साथ आप किससे टिक करते रहें? बुक से टिक करते रहें, ओरिजिनल IFRS से। सो आई एम कमिंग बैक टू अवर नोट्स, हमारे नोट्स का page 1। लेकिन भाई जान जब किताब पब्लिश हो जाएगी ना, तो ये ऑब्वियसली हमारी बुक का page 1 नहीं होगा, क्योंकि ये बुक में मैंने चैप्टर का नंबर रखा हुआ है 3। तो इसलिए जब बुक पब्लिश हो जाएगी तो फिर ये पेज बदल जाएगा। तो बहरहाल जिनके पास बुक हो और वो लेट ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन करें, तो वो हजरात फिर बुक में भी ये सफ़े ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, तो पहली बात बता दें जी, एसेट क्या है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एंटिटी बिकॉज ऑफ अ पास्ट। ये याद नहीं करनी चीज़ें आपने, जिसमें से क्या आना हो? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना हो। क्लियर? ओके। अब जी आज हमारी पहली डिस्कशन है, व्हाट इज इंटेंजिबल? व्हाट इज इंटेंजिबल? तो ये जो स्टैंडर्ड है हमारा IAS 38, ये किसको डील करते हैं मोहतरम? इनटेंजिबल्स को। इनटेंजिबल की कोई मिसाल दें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे कि ये सब आपको नज़र आ रहा है, ये अब एक सॉफ्टवेयर है अंदर जिसकी वजह से ये सारा नज़र आ रहा है, इसको आप टच नहीं कर सकते। तो इनटेंजिबल एक ऐसी चीज़ है जिसमें 3 खासियतें पाई जाती हैं। कितनी? 3। नंबर 1, ये आइडेंटिफिएबल होता है। ये क्या होता है? आइडेंटिफिएबल। क्या मतलब इसकी? शनाख्त हो सकती है। जैसे AC और कुर्सी को अलग अलग आप शनाख्त कर सकते हैं, ये AC है, ये कुर्सी है। इसी तरह इंटेंजिबल है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की अलग शनाख्त की जा सकती है। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है जी मेरे पास सॉफ्टवेयर है, दूसरे कहते हैं आपके पास सॉफ्टवेयर है, हमारे पास बोतल बनाने का फॉर्मूला है। तो दोनों इंटेंजिबल्स डिफरेंट नेचर के हैं और उनकी शनाख्त भी की जा सकती है, आइडेंटिफिएबल। नॉन मनी, ये जो इनटेंजिबल्स है ना, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये मनी है? इज इट ए पैसे? ये बैंक बैलेंस है? ये कैश इन हैंड है? ये कायदे आजम के नोट हैं? तो इसलिए एक लफ्ज़ है अजीब सा आपने पहली दफ़ा सुना, क्या?
नॉन मॉनेटरी, नॉन नॉन मनी तो मैंने आपके समझने के लिए लिखा था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, असल जो टेक्निकल लफ्ज़ है बोले 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 नॉन मॉनेटरी। अच्छा मॉनेटरी चीज बताएं क्या होती है, मॉनेटरी कैश जो आपके दराज में पड़ा हुआ है, मॉनेटरी या मनी जो मर्जी आप उसे कह दें, बैंक में जो पैसे पड़े हुए मॉनेटरी या मनी, डन। तो जो चीज मॉनेटरी नहीं है वो क्या है, नॉन मॉनेटरी। अब नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी क्या है ये हमने IAS 21 में बड़ी डिटेल से देखना है, लेकिन आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट में मैं डिटेल में नहीं जा रहा, IAS 21 में जाएंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बता दें कि जो लैंड और बिल्डिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या वो भी मनी है या वो भी नॉन मनी टाइप की चीज़ है? हाँ उसको बेच के मनी आ सकती है वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन इन इटसेल्फ वो क्या है? तो इंटेंजिबल की पहली खासियत इसकी शनाख्त हो सकेगी, नंबर टू, और तीसरी बात नो फिजिकल। ये वो मसला है जिसकी वजह से स्टैंड अप बनाना पड़ा कि इसको टच नहीं किया जा सकता, अलग से महसूस नहीं किया जा सकता, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वरना IAS 16 वाली जो चीजें थी प्रॉपर्टी प्लान के पॉइंट, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस थी, इसकी नो फिजिकल सब्सटेंस, नो फिजिकल सब्सटेंस। इसमें हम नोट करने की जरूरत नहीं, बस डेफिनेशन देख लें। तो बताएं जी इंटेंजिबल की तीन खासियतें, आइडेंटिफाइबल, नॉन मनी एंड इट हैज नो फिजिकल सब्सटेंस, इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, डन। बस ठीक है, इतनी सी चीज आपको करानी थी। न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं, आ जाएं आप नोट्स के पेज नंबर 45 पे, का पहला न्यूमेरिकल। भाई रोजाना का काम रोजाना करना है, बस ये किसी तरह आप कर लेना FAR 2 में, कमाल हो जाए, जमाल हो जाए। नोट्स का जी पेज नंबर 45, और जिन्होंने किताब खरीद ली भी है तो ये किताब में चैप्टर नंबर पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन ये लेक्चर नोट्स के नाम से ना एक चैप्टर आ रहा होगा किताब में, लेक्चर नोट्स किताब के एंड के ऊपर होगा। जब किताब खरीद ली है उससे मुराद है जिन्होंने ऑनलाइन लेट ज्वाइन किया उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा तो किताब के एंड पे एक चैप्टर होगा किताब में लेक्चर नोट्स, तो वहाँ से जाके आपने देखना है। और किताब ऑनलाइन आपको अवेलेबल नहीं होगी, किताब आपको बाय करनी पड़ेगी जब भी अवेलेबल होगी, ऑनलाइन वालों के लिए कह रहा हूँ। क्वेश्चन वन, IAS 36 की रिविजन करते हैं। IAS 36 कौन सा जी, इम्पेयरमेंट, ओके। अ कंपनी बस, जैसे कंपनी ने बस खरीदी कंपनी की बस हो गई, नहीं, अ कंपनी परचेज आ बस कॉस्टिंग रुपीज 500, नया पाकिस्तान, कॉस्टिंग रुपीज 500, कितने की बसें मिल रही हैं जी, 500 रुपए की, दांत बाहर आ रहे हैं भाई। ऑन 1 जनवरी 2013 फुल स्टॉप, बस मुकम्मल रुक गई। इट्स यूजफुल लाइफ इज, गलतियां नहीं निकाला, इट्स यूजफुल लाइफ इज, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ऑन 31 दिसंबर 2015 कितने साल बाद, पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15, तो कितने बने, 3 साल। तो ये मसला सीए करने के बाद भी रहता है लोगों का, परेशान नहीं होना, यहां से यहां गिनना नहीं आता। छोटे भाई ना पांचवी छठी जो कर रहा है उससे भी जरा पूछ लीजिएगा, शायद उससे भी ये बताओ। तो 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2015 दरमियान में कितने साल, 3 साल। और 31 दिसंबर 2015 आ कंपेटिटर, मिसाल के तौर पे ये डेवो वाले थे तो कौन सी टांग वाले आ गए, यू टांग नाम है बस, यू टांग TONG है बस। अच्छा अ कंपनी परचेज अ बस कॉस्टिंग रुपीज 500, इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स, फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये क्या चक्कर है, बस की यूजफुल लाइफ 5 साल है, भाई आप खड़े हो जो सोच रहे हो, आप बढ़िया खड़े हो जो मैं बैठता हूँ। हाँ यूजफुल लाइफ बस की 5 साल है, बस 5 साल के बाद बस की बस हो जाएगी, सोचो बस की बस 5 साल बाद हो जाएगी, बस 5 साल बाद बस हो जाती है बस की, तो ये क्या चक्कर है, यूजफुल लाइफ इज 5 साल। ओ भाई ने फरमाया कंपनी 5 साल यूज करेगी, भाई आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक लाइफ, क्या पढ़ेंगे, अगर ये बैठ जाओ, अगर ये बस की क्या है इकोनॉमिक, ओ एथे देखो ये बस की क्या है इकोनॉमिक लाइफ, तो इतनी सी शायद बस की क्या हो यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या होता है, कितनी देर से नहीं आ रही, जो बैठा हूं मैं
मैं खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा जी हजरात, दोबारा सुन लें बात। मैं इनसे डिफरेंस पूछ रहा हूँ यूज़फुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में। यहाँ कौन सा लफ्ज़ लिखा हुआ है अभी? यूज़फुल है। एक क्या मैंने लफ्ज़ बोला है? तो ये एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप सुन लें, इंशाल्लाह स्टैंडर्ड्स में हम पढ़ते भी रहेंगे। इकोनॉमिक लाइफ ये होती है कि एसेट बस ने 40 साल चलना है, 40 साल बाद बस चल नहीं सकती, जो मर्जी ड्राइवर बिठा दो चाहे पायलट बिठा दो बस नहीं चलेगी, तो बस की बस हो जानी है 40। उस 40 में से हमारी नियत कितने साल यूज़ करने की है? 5 साल 6 साल, डेट इज़ कॉल्ड एज यूजफुल लाइफ। तो इकोनॉमिक लाइफ आम चीज़ों की ज़्यादा होती हैं और उसमें से जितना अर्सा हमने इस्तेमाल करना है डेट इज़ कॉल्ड एज। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीयत है कि कितने साल बस को इस्तेमाल करें ताकि दिखने में लोगों को नई नई बस लगे, 5 साल बाद बसें भी पुरानी हो जाती हैं, कहते हैं हम बेच के कोई अच्छी बस खरीदें क्योंकि हमारी कंपनी का नाम है। डन। ये जो कुर्सी है जिसके ऊपर आप बैठे हैं, हो सकते हैं इनकी लाइफ जो है 15 साल हो, लेकिन हो सकते हैं कॉलेज वाले 3 साल बाद चेंज कर लें। हो सकते हैं आज ही देख रहे होंगे आप, लकड़ी पे किसी ने लिख दिया होगा कुछ, ये 2-3 दिन में देखिएगा होगा क्या। अच्छा, तो यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में फ़र्क, इकोनॉमिक लाइफ पूरी लाइफ होती है जिसमें एसेट एंजॉय करे, लेकिन उसमें से जितना हमने एंजॉय करने की नीयत है वो क्या होती है? तो यूजफुल लाइफ इसकी 5 साल है। फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन 31 दिसंबर 2015, कंपेटिटर केम इन मार्केट सो वी डिसाइडेड टू चेक अवर बस फॉर इम्पेयरमेंट टेस्ट। अच्छा, एक इम्पेयरमेंट होती है, एक डेप्रिसिएशन होती है। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ कि फ़र्ज़ करें आगे कोई लाइन नहीं लिखी हुई पूरे सवाल में, तो 31 दिसंबर 2015 तक क्या एंट्रीज हुई होंगी? 31 दिसंबर 2015 तक क्या एंट्रीज हुई होंगी? जी शुरू करें 2013 से, 2013 बस खरीदी कितने की? बस डेबिट। ये इंटेंजिबल्स पढ़ते पढ़ते मैं एक टेंजिबल की मिसाल करा रहा हूं। अच्छा, बस डेबिट कैश क्रेडिट 31 दिसंबर 2013, डेप्रिसिएशन डेबिट अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एंट्री आती है आपको, डेप्रिसिएशन डेबिट अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द कॉस्ट? व्हाट इज लाइफ? 5 इयर्स 100। पता नहीं सवाल की रिक्वायरमेंट क्या, हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अपने समझने के लिए एंट्रीज। ये 31 12 13 की एंट्री होगी। 2014 के साल में मैं आऊँगा, वैसे तो आप नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन मैं सिमेट्री के लिए इधर इधर ही लिख रहा हूँ। 2014 के साल में हम एसेट बाय करेंगे, दोबारा जाके बस खरीदेंगे, अगले साल सिर्फ क्या चार्ज होगी? 31 12 बोलें डेप्रिसिएशन डेबिट अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डन। ये 2014 के साल में एंट्री हुई होगी और 2015 का साल, जी बोलें 31 12 15 डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 100 से। चले एक साल की एंट्री मैं अभी और कराऊंगा, इस साल की एक एंट्री और रहती है, यहां तक नोट कर लें। तेरह चौदह पंद्रह की एंट्रीज नोट कर लें। चार्जर चार्जिंग पे लगाओ लैपटॉप। हाँ तो करो, उसे कहो बुलाओ। आगे चले जाओ, नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, इसको एड्रेस कर रहे हैं, कल पता चल चुका इशू। पॉज करो, अब इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पे, अगली एंट्रीज करते हुए मैं इंश्योर कर लूँगा। अच्छा चलो शुरू चलें जी, ये हो गई हमारी पहले 3 साल की एंट्रीज। और व्हाट हैपेंड आगे देखें, पॉइंट वन में आए। ऑन 31 दिसंबर 2015 को अ कंपेटिटर केम इन मार्केट, एक कंपेटिटर आ गया मार्केट में, सो वी डिसाइडेड टू चेक अवर बस फॉर इम्पेयरमेंट टेस्ट।
अच्छा, आज हम डिप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट में फ़र्क भी देखेंगे। तो हमने सोचा कि अपनी बस को किस टेस्ट से गुजार लें जी? इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें। अब इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या होगा और उस टेस्ट से कैसे गुजारेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ये एक हैन है, ये क्या दिखने में लग रही है? सर ने कह दिया तो है, ये क्या है? हैन है। इससे दो तरीके से आप फायदा ले सकते हैं, दो तरीके से। कैसे कैसे? अच्छा, भाई फरमा रहे हैं इट विल कीप ऑन गिविंग एग्स, ओके, दूध। इट विल कीप ऑन गिविंग, डन। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या है? आप हैं को कहें मुझे नहीं अंडरस्टैंड, तो फिर इसको क्या कर दें? जान छुड़ा लें। इससे क्या कर लें? जान छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा ये हैन, किसी को बेच दें। तो हैन से किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं? दो तरीके से। नंबर वन, नहीं है लड़ाना नहीं है मुर्गियों को, वो तीसरा फायदा हो जाएगा। अच्छा, बोले बोले बोले, या आप इसको क्या कर लें? यूज, या सेल, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद हुआ करेगा, ये हुआ करेगा, कोई मसला। अच्छा, नहीं आज ही हो रहा है। अच्छा, तो हैन से कितने तरीके से फायदा उठाया जा सकता है? दो तरीके से, नंबर वन एंड नंबर टू सेल। अच्छा जी, बस है, ये बस का मुंह है, बस से कितने तरीके से फायदा उठाया जा सकता है? कैसे कैसे? भाई कह रहे हैं सवारियां बिठा लें, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, सवारियां बिठा लें लेकिन किराया ना लें। पूरी बात किया करो ना, सवारियां बिठा के किराया ले लें, ये भी अधूरी बात है, इसको पूरा करें। सवारियां बिठा के किराया लें और पेट्रोल का खर्चा करें, ड्राइवर को तनख्वाह दें, ये सारे काम करें। यूज एक याद रखिएगा, पालना आसान नहीं होता, पालना पालना, बेचना आसान होता है। हैन को भी पालेंगे ना तो इसके नखरे होते हैं, ये खाऊंगी वो खाऊंगी ये नहीं खाऊंगी, आज बिरयानी की खुशबू आ रही है, तो हैन के भी नखरे होते हैं। बस अगर यूज करेंगे तो बस आपकी बस करा देगी। कैसे? पेट्रोल का खर्चा, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, ड्राइवर की तनख्वाह और ये सब कुछ, ये सारे होंगे आपके आउटफ्लोज। क्या होंगे? अगर आप बस को इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे आपके क्या होंगे? आउटफ्लोज। और इन आउटफ्लोज को ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या लेने पड़ेंगे? बोलें इनफ्लोज। तो अब तूने गलती की ना, फिर देखी। तो बस है अब्दुल्ला, रिकॉर्डिंग जारी रखो, बस है, तो बस को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बस को बेच भी सकते हैं, ठीक है अब्दुल्ला? कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह छोड़ो, देखी जाएगी, क्या होगा, बंद ही हो जाएगा ना लैपटॉप, छोड़ देंगे पढ़ना। अच्छा, तो बस को आप बोले 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 रहने तो इंशाल्लाह चल जाएगा काम, बस को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बस को। अच्छा, यूज करने से रिलेटेड इनफ्लोज बताएं और यूज करने से रिलेटेड आउटफ्लोज बताएं। कुछ ने मुर्गी पे नजर रखी हुई है। अच्छा बताएं जी, यूज करने से रिलेटेड इनफ्लोज और आउटफ्लोज। इनफ्लोज इनफ्लोज बताएं, इनफ्लोज कराया, नंबर टू आउटफ्लोज पेट्रोल का खर्चा और। अच्छा, क्या ये आपने पूरी बात की है अधूरी बात की है? अगर यूज करेंगे भी तो कभी ना कभी तो जाके, तो फर्ज करें आपका ख्याल है कि मुर्गी की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 साल है, तो आप 4 साल इसको यूज करेंगे, इनफ्लोज भी होंगे आउटफ्लोज भी, लाइफ के एंड पे जाके क्या करेंगे इसको? इन द एंड तो जाके मुर्गी को कहेंगे बस, उसको सेल कर देंगे। तो इसका मतलब एक बार याद रखिएगा, यूज में 2-3-4 साल तक इनफ्लोज भी होंगे और आउटफ्लोज भी होंगे, और यूज में फिर जब यूजफुल लाइफ एंड हो जाएगी तो आप इन द एंड जाके इसको बाजार में, तो याद रखिएगा बिकती ये भी है, बिकती। आप तो कह रहे थे बस बिकना ही होता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। एक ऑप्शन ये है मुर्गी को आज बेचते हैं, एक ऑप्शन ये है मुर्गी को, यार तू परेशान हो रहा है, तेरी तरफ कर देता हूं इसका ये ले। एक ऑप्शन ये है मुर्गी को आज बेच दें, एक ऑप्शन क्या है? रखें पालें और
तो याद रखिएगा, यूज में बिकना शामिल होगा, लेकिन वो बिकना फौरन होगा या काफी अरसे बाद होगा? काफी अरसे बाद होगा। तो बात को कंक्लूड करें, एक बस है, उसको आज भी मैं बेच सकता हूं और चंद साल बाद चला के भी बेच सकता हूं। तो कितने तरीके से फायदे आ सकते हैं? दो तरीके से। अकाउंटेंट्स कहते हैं यार इसका नाम रख लो वैल्यू इन यूज। यूज करो तो क्या वैल्यू है, और सेल करके आप फेयर वैल्यू इसकी रिसीव करोगे, फेयर वैल्यू। लेकिन खाली फेयर वैल्यू नहीं होगी, ये मुर्गी अफगानी मुर्गी है, ये अफगानिस्तान ही जाके बिकेगी, तो बेचने के लिए कोई ना कोई खर्चा भी करना पड़ेगा। बेचने के खर्चे को क्या कहते हैं? कॉस्ट टू सेल। बेचने के खर्चे को क्या कहते हैं? कॉस्ट टू सेल। डन। तो बता दें जी, एक एसेट से कितने किस्म के फायदे उठाए जा सकते हैं? आज बेचने अगर हो तो हमारी नजर उस किस पे होगी? फेयर वैल्यू पे माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल क्या चीज है? मिसाल के तौर पे मोबाइल है। अब मोबाइल आपकी जेब में है, मैं कहता हूं अगर इसको आज बेचना है, आज, तो आप एक तो कहेंगे यार ये मुझे 60,000 का मेरा बिक जाएगा, ठीक है, 60,000 का बिक जाएगा। उसके बाद लाहौर के अंदर हफीज सेंटर मार्केट है, वहां आपको जो है हो सकता है किसी बस से जाना पड़े, किसी जो है रिक्शे पे जाना पड़े, 100 रुपया वो भी लगेगा। तो कोई ना कोई बेचने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। डन हो गया। तो अगर हम चीज को बेचना चाहते हैं तो हम दीवानावार सवाल में क्या ढूंढेंगे? फेयर वैल्यू भी ढूंढेंगे और कॉस्ट टू सेल भी ढूंढेंगे। और अगर हम चीज को बेचना नहीं चाहते बल्कि इसको यूज करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बोलो बोलो बोलें। फिर आपके कुछ अरसा तक इनफ्लोज भी होंगे और प्लस 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 फेयर वैल्यू भी इसकी आएगी और लेस कॉस्ट टू सेल भी होगी। ये कब होगी? आज। ये वाली फेयर वैल्यू और इस वाली फेयर वैल्यू में क्या फर्क होगा? ये मुर्गी की आज की फेयर वैल्यू है और ये मुर्गी की इनफ्लो आउटफ्लो से मुराद 3-4 साल तक आप इससे अंडे रिसीव करते रहेंगे और इसे चारा खिलाते रहेंगे, और 3-4 साल बाद जाके ये भी बाजार में बिकेगी, इसको भी बाजार में बेचने के लिए कोई ना कोई खर्चा करना पड़ेगा। तो बता दें वैल्यू इन यूज कैसे निकलती है? इनफ्लोज और आउटफ्लोज। कब तक? जब तक उसे यूज करना है, और जिस दिन यूज करके उसे डिस्कार्ड कर देना है उस दिन की फेयर वैल्यू माइनस। और अगर आज सोचें, अच्छा अगला सवाल मेरा, ये वैल्यू इन यूज, इन दोनों वैल्यूज में से किन वैल्यूज को डिस्काउंट करना पड़ेगा? डिस्काउंट डिस्काउंट कौन सी वैल्यूज जो हैं वो फ्यूचर की दी होंगी, आज की नहीं दी होंगी? तो ये फिगर्स जो हैं वो मेरी आज की दी होंगी या फ्यूचर की? आज की। आज अगर बेचूं तो कितने की है? तो अगर आज ही मैं बेचूं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फिगर्स आज की होंगी या फ्यूचर की, तो इसलिए उनकी क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए हमें हमेशा क्या निकालनी पड़ेगी चीज़ों की? प्रेजेंट वैल्यू। तो ये एक इम्पेयरमेंट लॉस के लिए टेस्टिंग होती है। इसका हल्का फुल्का सा आप लिख लें, दो चीज़ें ऊपर हेडिंग दें, वाइल परफॉर्मिंग इम्पेयरमेंट टेस्ट वी विल कंपेयर While performing impairment test, we will compare. अभी जो मैंने आपको समझाया है ना, उससे थोड़ी आगे की बात कर रहा हूँ, जो FR1 में आपने पढ़ी हुई है, लेकिन उसे अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अभी व्हाइट बोर्ड पर नहीं देखना आपने। While performing impairment test, we will compare carrying amount, ये दो लफ्ज़ में बोलने लगा, मैंने नहीं बोले आज। We will compare carrying amount with recoverable amount. We will compare carrying amount with recoverable. ये दोनों लफ्ज मैंने नहीं बोले अभी तक। अब अगली लाइन में लिखें, recoverable amount is higher of, recoverable amount is higher of, बोले value in use and fair value minus cost to sell. Recoverable amount is higher of
वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब ये वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की तरह कुछ चीजें आपने लिखनी है उर्दू में, ये सारे लिख लें। जहां मैंने लिखवाया है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जी भाई रिकवरेबल अमाउंट क्या है? इज हायर ऑफ नंबर वन वैल्यू इन यूज एंड नंबर टू फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा इसको कंपेयर किससे करना है? ये जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कैरिंग अमाउंट अभी मैंने आपको नहीं समझाया, इस रिकवरेबल अमाउंट को वर्सेस कंपेयर किससे करना है? कैरिंग अमाउंट। किसी को पता है कैरिंग अमाउंट को बीवी भी कहते हैं? बीवी क्या होती है? बुक वैल्यू। आज के मुराद बीवी से मुराद बुक वैल्यू। तो रिकवरेबल अमाउंट को किससे कंपेयर करेंगे? बीवी से। रिकवरेबल अमाउंट को किससे कंपेयर करेंगे? बीवी से। अच्छा पहले मैं स्क्रीन में ना ये वाला जरा छुपा रहा हूं, ये क्या लफ्ज हमने नया डाला है? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवर करने के दो तरीके हैं, फायदा रिकवर करने के कितने तरीके हैं? या इस्तेमाल करो या आज का लफ्ज लिख लिया उर्दू में आपने, ये वाला लिखना जरूरी है, या इस्तेमाल करो या आज ही इसको बेच दो। ये दो तरीके हैं, या इस्तेमाल करो या आज ही इसको बेच दो। तो किसी भी चीज से फायदा हासिल करने के दो तरीके हैं। फायदा हासिल करने में आपके दिल में क्यों आ रहा है कि मैंने हायर ऑफ क्यों लिखा है? जाहरी बात है अकलमंद इंसान क्या करेगा, वो सोचेगा कि यार ऑप्शन वन ये है, ऑप्शन टू, मैं किस ऑप्शन की तरफ जाऊं जो मुझे ज्यादा फायदा दे दे। क्लियर? ये जो रिकवरेबल अमाउंट आएगी वो इन दोनों में से क्या आएगी? हायर आएगी। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर यार मुर्गी जो है मुर्गी की फेयर वैल्यू में लगा लेता हूँ लेस कॉस्ट टू सेल 300 रुपया, और फ्यूचर में जो फायदा देगी उसकी प्रेजेंट वैल्यूज वगैरह निकाल के 400 रुपया। अब बता दें व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई मेरी? 400। अब व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? डेट इज कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। व्हाट इज कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन? ठीक है, और ये तो ओरिजिनल फिगर्स हैं, हिस्टोरिकल डेटे की बुनियाद पे। बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड, और कॉस्ट तो वो पैसे होते हैं जो आपने दे के चीज खरीदी होती है। तो कॉस्ट माइनस अकमुलेशन विल गिव मी अ बुक वैल्यू। फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बुक वैल्यू इज 385। बुक वैल्यू इज 385। अब मुझे बता दें अगर 31/12/13 को मैं 31/12/13 की डेट मिसाल के तौर पे जहन में लेता हूँ, चलिए आज की ले लेते हैं, 31/12/22 की डेट जहन में लेता हूँ, 31/12/22 को मैंने कोई एसेट अपनी बुक्स में 385 का रखा हुआ है। मैंने कोई एसेट अपनी बुक में कितने का रखा हुआ है? कैरिंग अमाउंट का क्या मतलब होता है? बुक्स में कैरी किया हुआ ना, तो मैंने 31/12/22 को अपनी बुक्स में एक एसेट रखा हुआ है 385 पे, लेकिन मेरी अकल कह रही है वो मुझे 400 दे के जा सकता है। तो क्या मैं 20 का लॉस बुक करूं? क्या मैं 20 का लॉस बुक करूं? नहीं, कोई लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस कब आता? जब 385 इधर लिखा होता 385 और इधर 382 लिखा होता, तो 3 रुपए का क्या आ जाता? इंपेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार के हमेशा इम्पेयरमेंट लॉस ही आया करेगा। कोरोना टेस्ट से गुजार के, अब तो कोरोना के नाम स्पेलिंग भी बंदों को भूल गए, अब तो सियासत चल रही है आजकल। अच्छा तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार के हमेशा हमारा एसेट इम्पेयर ही हुआ करेगा, या हो सकता है इम्पेयर हो सकता है ना हो?
भाईजान साल गुजरने के बाद डेप्रिशिएट तो होता ही होता है एसेट, लेकिन जिस वक्त हम इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारे हैं उस वक्त जरूरी नहीं है कि हमारा एसेट इम्पेयर ही हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है इम्पेयर हो जाए, हो सकता है इम्पेयर ना हो। क्लियर? अच्छा, अब आपको फिगर्स लिखने की जरूरत नहीं है। इफ रिकवरेबल अमाउंट इज बोलें इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, तो बोलें देयर विल बी। ओ यार ऐसे नहीं समझ आती, रिकवरेबल अमाउंट मिसाल के तौर पे 60 रुपये है, कैरिंग अमाउंट मिसाल के तौर पे कम है इससे, तो ये इसको कम करें ना, इसको 60 कर लें, इसको 62 कर लें। आप बता दें जी, अगर एक चीज़ मेरी किताबों में कैरी हुई है 62 पे, लेकिन उसको चाहे बेचो चाहे इस्तेमाल करो, दोनों तरीके से मैक्सिमम कितना देके जा सकती है 60, तो अगर 62 वाली चीज़ 60 देके जा सकती है तो क्या मेरी शक्ल बन जाएगी, क्या मुझे उदासी होगी कि 62 वाली चीज़ मुझे सिर्फ कितना देके जा रही है? तो इसका इसको क्या कहेंगे, इम्पॉर्टेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस, नो इम्पॉर्टेंट लॉस, इसको क्या कहेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस। और इसकी जर्नल एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। कितने रुपए की जर्नल एंट्री? 2 रुपए की। और ये क्या हो गया, हमने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल वी करके हमने इसको दोबारा पेस्ट करना, इधर दोबारा ऊपर जैसी चीज़ लग रही है, लेकिन थोड़ा सा फिगर्स को बदलते हैं और हम इधर लिख देते हैं 57। आप बता दें अगर मेरी किताबों में एक चीज़ 57 की पड़ी हुई है और मैं उसको 60 पे ले जाऊं, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा FR1 में, फोरसीन गेंस रिकॉर्ड नहीं करते, फ्यूचर गेंस रिकॉर्ड नहीं करते, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मना करता है। तो इसलिए मोहतरम इस सूरत में मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है या नो इम्पेयरमेंट लॉस, जर्नल एंट्री होगी या नहीं होगी, तो लिख लें आप, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है और इम्पेयरमेंट लॉस आएगा या हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, हो सकता है आए इम्पेयरमेंट लॉस, हो सकता है ना आए। नोट नहीं कर रहा यार तू, साइन चेंज करना है, बिल्कुल जबरदस्त, कमाल हो गया। और इसको रिटर्न ही मारना, लॉजिकली याद रखें, कैरी कितना हुआ है बुक्स में 62, लेकिन दे के कितना जा सकते हैं? नदामत के आंसू देके भैया हाथ धो गए, मेरे साथ ही ऐसा होता है, 62 वाली चीज़ मेरी हमेशा 60 की होती है, ये क्या? तो ऐसी सूरत में फिर एंट्री होगी। और अगर किताबों में चीज़ कितने की है और फ्यूचर में कितना देके जा सकती है 60, तो क्या इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो जर्नल एंट्री भी नहीं। इम्पेयरमेंट टेस्ट करके पेपर में टाइम ज़ाया नहीं होगा, बस इम्पेयरमेंट टेस्ट के करने के उसने मार्क्स लिखे होंगे, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप एंट्री नहीं करेंगे। डन। अच्छा आप मुझे बता दें ये कैरिंग अमाउंट क्या होती है? कैरिंग अमाउंट कॉस्ट माइनस अकामोलेटेड। क्या अगर मैं बस वाली मिसाल में आ जाऊं तो आपकी बस तो नहीं हो जाएगी? इसकी बीवी बता दें 31/12/15 की 500 माइनस 100 माइनस 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 200, तो 200 इज द बुक वैल्यू ऑफ व्हाट? Our bus, हमारी बस की 200 क्या है? बुक वैल्यू। डन। अच्छा अब मुझे इस बस की क्या चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट। तो अब मैं एक वर्किंग परफॉर्म करने लगा हूं, वर्किंग नंबर 1, इंपेयरमेंट लॉस या इंपेयरमेंट टेस्ट? इंपेयरमेंट टेस्ट। इम्पेयरमेंट टेस्ट कब करते हैं इस पे हम डिस्कशन करेंगे, हर साल डिसीजन चार्ज करते हैं बिल्कुल,
लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट कब करते हैं इस पर हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल कंपेटिटर मार्केट में किस दिन आया है, जरा सवाल में जाके देख लेते हैं। कंपेटिटर कौन सा तीतर कौन सा तीतर आया है? कंपेटिटर मार्केट में कब आया? सो वी डिसाइडेड टू चेक अवर बस फॉर, तो हमने कहा बस को चेक करें कहीं हमारी बस इंपेयर तो नहीं हो गई, तो किससे बस को गुजारना है? किस दिन? 31/12/15 को ब्लैक मार्कर यूज करना चाहिए। 31/12/15 को हमने अपनी बस को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। ओके, इंपेयरमेंट टेस्ट में किसको कंपेयर करना है? कैरिंग अमाउंट को। खरीदा कितने का था? 500 का। पहले साल कितना डेप्रिशिएट हुआ? कितने साल डेप्रिशिएट हुआ? 3 साल, या फिर 100 100 100 इज इक्वल टू 200। तो व्हाट इज द बीवी ऑफ आवर बस? 200 एज ऑन 31/12/15 एंड वी विल कंपेयर इट विद किस किस का दंगल होगा। और भाईजान इसका पहले तो वर्सेस कैरिंग अमाउंट को किसके मुकाबले में लाएंगे? रिकवरेबल अमाउंट के मुकाबले में। हाँ, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है वो अलग बहस है, वो बता दें क्या होती है। हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, नंबर वन वैल्यू इन, अगर इस्तेमाल करो तो क्या वैल्यू है? वैल्यू इन यूज, अगर इस्तेमाल करो तो क्या वैल्यू है? इसमें हमें पालना पड़ेगा, एंड पे बेचेंगे भी। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हलवा क्या होगा और कौन सी फिगर रोलेगी? हलवा रोला, ये क्या होगी फिगर? हलवा और ये रोला, रोलेगा हमें। रोले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोलेगा, मुटिलेट नहीं। अच्छा, तो ये फिगर इजीली मिल जाएगी और इस फिगर के लिए थोड़ा सा रुलना पड़ेगा। तो पहले इजी मार्क्स गेन करके देखते हैं कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है। अच्छा, पहले मुझे बता दे मेरी बस की जिंदगी कितनी रह गई है? मेरी बस की, मैं अपनी मेरी नहीं पूछ रहा, बस की पूछ रहा हूँ, मेरी बस की जिंदगी कितनी रह गई है? 2 साल रह गई है। कैसे? कितने साल इस्तेमाल हो गई है? 3। टोटल साल कितने हैं? 5। कब खरीदी थी? 13 14 15 16 17। कितने साल इस्तेमाल होनी थी? 5 साल। कितने हो गई? कितने रह गई? अगर मैं पालना पसंद करूं तो कितने साल पालूं? कौन कौन सा साल पालूं? 15 पे तो खड़े हैं, 16 और 17। ऑन 31/15 किस दिन में खड़ा हूं? 31/15 को। इस सारे को पकड़ें और पकड़ के इसको दूर फेंक दें नजरों से। अच्छा, कौन कौन सा साल इस्तेमाल हो गई है? 13 14 15। और अभी कौन कौन से साल इस्तेमाल करना है? 16। और ये फ्यूचर है या पास्ट है? फ्यूचर है। मैं किधर खड़ा हूँ? कॉलेज में, सॉरी, मैं किधर खड़ा हूँ? 31/12/15 को। यूटोंग कब आई? 31/12/15 को। 31/12/15 को यूटोंग आई। उस दिन आके मुझे डर हुआ कि भाई जान फ्यूचर में मेरी सेल तो गिर जाएगी, मेरे कस्टमर जाके तो उधर बैठेंगे, नाराज़ होगी, मुर्गी अंडे नहीं देगी, तो मुझे लगेगा मेरे कस्टमर तो जाके कहाँ बैठ जाएंगे? यू टोंग बस के अंदर। डन हो गया। ओके, अब मुझे बता दें ये जो फिगर होगी, ये वाली फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल, इस दिन की अगर सवाल में गिवन हुई वो मैं कहाँ यूज करूंगा? ये तो हलवा के तौर पे गिवन होगी, ये उसी दिन की गिवन होगी जिस दिन मैं इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, या ये किसी और दिन की गिवन होगी? उसी दिन की गिवन होगी। अच्छा, और ये जो फिगर्स होंगी सवारियों से जो किराया आएगा और ड्राइवर की सैलरी वगैरह, ये किसकी गिवन होंगी? लेकिन अगर इसके लिए मैं ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर लिया आज के लिए, इसके लिए ब्लू मार्कर इस्तेमाल करूं तो ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज होंगे। और इसके बाद इन द एंड मेरे भाइयों यहां भी तो एक फिगर आएगी ना, फेयर वैल्यू माइनस। कौन सी फिगर बार बार आएगी और कौन सी फिगर एक दफा आएगी?
इसको छोड़ दें, आप ब्लैक वाली बात छोड़ दें, आज की बात छोड़ दें। सवारियों से किराया 16 में आएगा, 17 में आएगा, अगर 18, 19, 20 में भी बस रहती आता, कौन सी फिगर बार बार आएगी? इनफ्लोज और आउटफ्लोज। और कौन सी फिगर एक दफ़ा आएगी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ये कौन सी वाली फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल है और ये वाली कौन सी है? ये फ्यूचर की है और ये, मैंने दोनों यूज़ करनी है। ये जो नीचे वाली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल है वो कहाँ यूज़ करनी है? इधर, इधर फ्यूचर की इनफ्लोज भी लेने हैं, सवारियों से आउटफ्लोज भी लेने हैं, पेट्रोल का खर्चा, और साथ साथ इधर एक और चीज़ चाहिए। व्हाट इज़ दैट? फेयर वैल्यू लेस। चलो भाई ने मोबाइल में मैसेज पढ़ लिया, अब हम आगे चल। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें, मैं ज़रा पहले इसको होल्ड पे डाल रहा हूँ, ये ज़रा पॉइंट फोर पढ़ें। इफ़ वी सेल बस डेट इज़ एट 31 दिसंबर 2015, तो फेयर वैल्यू कितनी है और कॉस्ट सेल? कॉस्ट सेल, अच्छा फेयर वैल्यू का क्या मतलब होगा? ये पैसे हमारे पास आएंगे, इन होंगे, बेच के पैसे आएंगे ना उसको, अच्छा, और ये पैसे मेरे पास से जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं इस बस को लेके जाता हूँ, अब बस की पता चले करीब मार्केट नहीं है तो बस को भी कहीं और लेके जाना पड़ा बेचने के लिए, तो फेयर वैल्यू क्या होगी? कितने की आज बेच सकेंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? कितना खर्चा आएगा उसके बेचने पर। डन, आप बताएं जी, ये फिगर्स 31, 12, 15 की हैं, प्लीज। इफ वी सेल बस टुडे, तो ये हलवा है या ये हलवा है या रोला है? हलवा है, तो इसको एज इट इज यूज कर लें, हलवे को चम्मच पकड़ें। 1 - 14। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो फिगर आएगी ये 200 के नीचे मैं लिखूं? ये 200 के नीचे नहीं लिखूंगा, 200 थोड़ा सा साइड पे हो, जगह बना, ये थोड़ा सा इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना? क्योंकि 116 को भी किससे कंपेयर करना है, और फिर दोनों में से कौन सी फिगर उठानी है? हायर वाली फिगर। डन, कैमरा भी उधर ही रखो, नोट कर लें। अच्छा जी, अभी इधर आए जी, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फिगर है आज की हमने निकालनी, ऑन 31 दिसंबर 15, किस दिन खड़े हैं हम? ऑन 31 दिसंबर 15 कैश फ्लोस, फ्यूचर कैश फ्लोस, क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर कैश फ्लोस आर एस्टिमेटेड एज फॉलोस। ये क्या लिखा हुआ है इनफ्लो के साथ? एनुअल का क्या मतलब है? एनुअल इनफ्लो, सालाना, एक साल नहीं, सालाना, एनुअल, आप कहते नहीं एनुअल फीस, एनुअल फीस का क्या मतलब होता है? एक साल पे करनी है सिर्फ, हर साल पे करनी है, सालाना, तो एनुअल इनफ्लो। और हजरत ये क्या है? एनुअल आउटफ्लो। इनफ्लो क्या आएगा जी? किराया सवारियों का, और आउटफ्लो आएगा जाएगा, तो इसको मैं कह सकता हूं मेरी नजर में आ, और ये क्या था? जा, आ जाना कहिएगा वो गड़बड़ हो जाएगी, और ये क्या था? जा, ये भी पैसे जेब में आएंगे सवारियों से, आ बोले आ, और ये जा, तो सवारियों से पैसे आएंगे, पेट्रोल वगैरह का खर्चा होगा। अच्छा, क्या पेपर में 70 और 15 की जगह अगर उससे ज्यादा का दिमाग घूम जाए और वो एग्जामिनर आपको फ्यूचर कैश फ्लोज की जगह लिख दे नेट फ्यूचर कैश फ्लोज, तो आपका दिमाग तो नहीं घूम जाएगा? परेशान तो नहीं हो जाएंगे? अब आप कह रहे होंगे कभी पेपर देके देखें, पेपर में पता चलता है परेशान होते हैं, नेट पता ही नहीं चल रहा होता किससे नेट हुआ है। अच्छा, तो हो सकता है पेपर में इनफ्लो भी दे दे और, या हो सकता है पेपर में इनफ्लो आउटफ्लो की बजाय नेट दे दे, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो 55 के साथ क्या लिख देंगे? नेट। तो हम वैसे खेलेंगे भी नेट से ही, क्योंकि नेट के बगैर तो खेलने का मजा नहीं आता।
बड़ा अमेर हूँ, खूब तेरी निकल रही है ये। अच्छा तो व्हाट इज नेट इनफ्लो? नेट इनफ्लो हो रहा है या नेट आउटफ्लो हो रहा है ये भी जरा बता दें। नेट पॉजिटिव बच रहा है या नेट नेगेटिव बच रहा है? पॉजिटिव बच रहा है। नेट नेट क्या हो रहा है? इनफ्लो। यार ये क्या है? एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ बस, एट द एंड ऑफ लाइफ, एट द एंड ऑफ लाइफ कौन सा लाइन करके कुछ लिख लें जो साथ वाला सोच रहा है उसकी हकीकत आप पे खुल गई है आज, उसके साथ कल से ना बैठें। और आप लोग लिख लें फिर 31/12/17। एट एंड ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? 31/12 क्योंकि 15 तक तो ये यूज हो गया ना, तो एट एंड ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? लाइफ मुकनी कब है? ये वाली फिगर शायद देने लगे, ये वाली फिगर उसने दे दी है, एनुअल इनफ्लो एनुअल आउटफ्लो, ये वाली भी दे दी है। अब ये वाली पेश करने लगे हमारी खिदमत में, हम बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो हमारी खिदमत में पेश। अच्छा जी, एट द एंड ऑफ लाइफ यानी एज ऑन 31/12/17 बस कैन बी सोल्ड एट ₹25। ये क्या चक्कर है? कॉस्ट टू सेल विल बी ₹2। तो जब 2 साल बाद बस बेचेंगे तो पैसे ज्यादा होगी और पैसे तो अब बता दें, जब बस बेचेंगे तो नेट कट कटा के कितने की बिकेगी? 23 की। ये 23 कब आएगा? ओके अब तैयार हैं आप हजरत? 55 डन। इसको दो दफा के मैंने लिखा है 55 को, एनुअल इनफ्लो है ना, यानी कोई ऐसी बस सर्विस है हमारी कि हमें पता है सवारियों से कितना आना है। अजीब किस्म की जहाज बस सर्विस है, उसे कंफर्म पता है कि इंशाल्लाह पेट्रोल भी कीमत नहीं बढ़नी, ड्राइवर की तनख्वाह भी नहीं बढ़नी, सवारियों का किराया भी इंशाल्लाह इतना ही रहना है, कोई टेंशन नहीं। अजीब किस्म के असल है, इसलिए इसीलिए शायद इसने ना यहाँ एस्टिमेटेड का लफ्ज़ लिखा हुआ है कि इसने अंदाज़ा लगाया। फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज, अंदाजा ही लगा सकते हैं ना। अब मुर्गी से तो नहीं पूछ सकते भाईजन क्या प्रोग्राम है अगले साल कितने देंगे, मैं भी नहीं पता हूँ, तो अंदाज़ा ही लग सकते हैं ना। तो अब आप सवारियों से पूछ तो नहीं सकते, हाँ जी भाई कौन कौन सी सवारियाँ इंशाल्लाह अगले साल जाएंगी कराची, सवारियाँ कहेंगी चले जाएंगे और हमें तो नहीं पता। तो इसलिए याद रखिएगा ये फिगर्स किस पे बेस करती हैं, इसलिए इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है। पेपर में डाटा दे देगा तो पेपर में हमारे लिए तो आसान है, लेकिन एस्टिमेशन फ्यूचर की क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेंगी प्रैक्टिकली, लेकिन पेपर में हमें डाटा गिवन कर देगा। तो ये बार बार क्यों मैं लिख रहा हूँ 55 55, क्योंकि ये उसको यूज़ करके अंडे अंडे टाइप चीज़ है, तो अंडे तो आंखें बंद करके अंडे तो आते रहते हैं, अंडे तो जाती तो कितनी दफ़े, सिर्फ उदास करके मुर्गी कितनी दफ़ा जाती है? एक दफ़ा, लेकिन अंडे माशाल्लाह आते रहते हैं। तो ये एनुअल इनफ्लोज आउटफ्लोज होते रहेंगे कब तक? जब तक मुर्गी और हमारा साथ है, और जब चली जाएगी तो जाने का काम देके जाएगी और पैसे हमें देके जाएगी। ठीक है डन। आप बता दें इनको आपने इधर बुलाना है, रशीद 55 को मैं रशीद कह रहा हूँ, रशीद इतने आओ, फिर इधर बुलाना पड़ेगा 55 को, बड़े रशीद को भी, इसको भी बुलाना पड़ेगा, डन डन डन, रुखसाना को भी, तो इसको भी इधर बुलाना पड़ेगा, डन। और बोले ना बुलाना पड़ेगा सबको इधर। अच्छा अब आप बता दें, चुप तू तू चुप कर, तू चुप कर, तू ना बोला कर। अच्छा अब 55 को भी इधर बुलाना पड़ेगा, 55 को भी इधर बुलाना पड़ेगा और 23 को भी इधर बुलाना पड़ेगा। बुलाने का तरीका बताएं, डिस्काउंट लगाएंगे, डिस्काउंट फैक्टर लग रहे पेपर में गिवन हो, वरना फिर कल सवाल करेंगे, गिवन है, डिस्काउंट रेट इज 12%, डिस्काउंट करके बुलाना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हम खड़े इधर हैं, ये हमारे लिए क्या है? फ्यूचर है, तो इनकी क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके अब आप हजरात मुझे बता दें कि जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, दैट इज वैल्यू इन
यूज, वैल्यू इन यूज अब मैं निकालने लगा हूं, तो जरा खुली खुली करके वैल्यू इन यूज निकाल लेता हूं मैं। वैल्यू इन, अगर इसको क्या करें, इस्तेमाल करें, अगर इसको इस्तेमाल करें, चल ये दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है वन माइनस वन प्लस आई रेस टू पार माइनस डिवाइडेड बाय आई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस फिगर से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस फिगर से, एक ये फॉर्मूला है। अभी इस फॉर्मूले को इधर लिखता हूं, एक फॉर्मूला ये है वन प्लस आई रेस टू पार माइनस एन रेस टू पार माइनस एन, ये दो फॉर्मूले हैं। अच्छा इसके ऊपर ना कल थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे, अभी इस फॉर्मूले को देख लें, आपने पता नहीं क्यूएम में मैथमेटिक्स में किस तरह पढ़ा होगा। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, ये दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर वन फॉर्मूला नंबर टू, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये एक से ज्यादा कॉन्स्टेंट पेमेंट्स को डिस्काउंट करता है, एक से ज्यादा कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है, सेम अमाउंट कर लें, एक से ज्यादा सेम अमाउंट को डिस्काउंट करना हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला है, और अगर एक एक अमाउंट को डिस्काउंट करना हो तो नीचे वाला फॉर्मूला, एक से ज्यादा अमाउंट्स को डिस्काउंट करना हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला, और एक अमाउंट को डिस्काउंट करना हो तो नीचे वाला फॉर्मूला। अब हेडिंग दें इसके ऊपर, जरा कहीं रफ में जाके या नीचे रजिस्टर पे सवाल से हटके, इसको क्या एनओटी का फॉर्मूला कहते हैं आप लोग, एनओटी का, और इसको बस नॉर्मल फॉर्मूला समझ लें, जो भी समझ लें, सिंपल, हाँ सिंपल, सिंपल डिस्काउंटिंग। ये कब यूज करना है, मोर देन, देन कौन सा वाला होगा, ए वाला, ई वाला, ए वाला, मोर देन वन अमाउंट्स, मोर देन वन अमाउंट्स, एक से ज्यादा अमाउंट, मोर देन वन अमाउंट्स, एंड दे आर कॉन्स्टेंट, दे आर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट लिखना, सेम लिखना जो समझ आएगा आपको, कॉन्स्टेंट, दे आर सेम, नहीं कॉन्स्टेंट वैसे अच्छा लग रहा है, दे आर एंड इंटरवल इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इसका कोई मतलब बता दे, एंड इंटरवल इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इंटरवल भी कॉन्स्टेंट हो क्या, समझे जरा इधर, ये दोनों अमाउंट सेम है, ये दोनों अमाउंट से, इधर देख लो पहले, ये दोनों अमाउंट सेम है, ये एक है अमाउंट या एक से ज्यादा है, इसके और इसके दरमियान कितना वक्फा, एक साल, इसके और इसके दरमियान एक साल का इंटरवल, इसको कह रहा हूं, ये देखें ये क्या है, इंटरवल, ये इंटरवल, अमाउंट्स भी एक से, और तीसरी बात क्या की है, अमाउंट्स भी क्या है, तो जब अमाउंट्स क्या हो, बराबर हो और एक से, और इंटरवल भी, तो अगर ये शरायत पूरी जा रही हो, मोर देन वन अमाउंट, जैसे 55 दो अमाउंट है हमारी, और दोनों क्या है बराबर, और इंटरवल भी दोनों का एक एक साल है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला, और ये तो भाई सिंगल अमाउंट को डिस्काउंट करेगा, ये किसको डिस्काउंट करेगा, सिंगल अमाउंट को डिस्काउंट करेगा, सिंगल को या एक से ज्यादा को, मोर देन वन अमाउंट या वन अमाउंट, वन अमाउंट, एक अमाउंट को डिस्काउंट करेगा। डन, अब हलवा खा लिया, अब हमने एक रुलना है, अब रुलने के लिए तैयार हो जाए, वैल्यू इन यूज निकलवाएं, इधर वैल्यू इन यूज, इधर ही ना निकाल दूं फिर, अलग से वर्किंग करने की जाए, इधर निकल आएंगे, इधर इज इक्वल टू, पहले किसको करूं, पहले तिया पांचा, 55 को अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एन होगा ना, एन, ये एन से मुराद होगा दो दफा 55, ये एन नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ इयर्स नहीं है, ये नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं, कितनी नंबर ऑफ पेमेंट्स या रिसीट समझ लें, या नेट रिसीट समझ लें, कितनी नंबर ऑफ अमाउंट्स हैं, अमाउंट समझ लें, भी कितने एन है, दो,
तो 55 दो दफा लिखूं या 55 एक ही दफा लिखूं? तो ये एन में जब 2 लिख दूंगा तो ये इसका मतलब है 2 दफा 55। अच्छा जी, 55 × 1 माइनस, बोले बोले, 1 + 12%। तो यार ये 1 + 0.12 होता है ना, तो 1 + 0.12 को कैसे लिखते हैं? 1 raised to power -2, 1 - 1.12 raised to power -2। अब परेशान ना हो, 55 दो दफा नहीं लिखा, 55 दो दफा खुद ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वट एवर द आंसर मे बी, नो नीड। अभी एक और फिगर इसमें डालनी है, वो क्या डालनी है? 23। जमा लिखूं माइनस लिखूं मल्टीप्लाई? जमा जमा। किसको डिस्काउंट करूं? 23 को। किस दिन फिगर्स को बुला रहा हूं मैं? 31, 12, 15 को। प्लस 23 × क्या ये 23 मोर देन वन अमाउंट है? सिंगल अमाउंट है? ये एन नंबर ऑफ 23 नहीं है, ये एन नंबर ऑफ इयर्स हैं। ऊपर वाले में एन क्या था? कितनी दफा 55 आ रहे है? और इधर एन क्या है? अब आप बताएं इन दरमियान, इन दोनों के दरमियान कितने साल है? तो 2 साल बाद मुझे कितने पैसे मिल जाने हैं? 23। 23 × 1.12। ये देखो ना, 1.12 रेस टू पार माइनस 2, 1. प्लस 23 × 1.12 रेस टू पार माइनस 2। नाउ व्हाट डज दिस 2 रिप्रेजेंट? इज इट नंबर ऑफ इयर्स और इज इट नंबर ऑफ पेमेंट्स? नंबर ऑफ इयर्स। एंड दिस 2 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पेमेंट्स। इसका ग्रैंड टोटल बता दें, 111। आप बता दें जी, आप 111 और 116 में से हायर क्या है? 116 को बाहर बुला लें। आप जरा नजर मारें, वैसे तो मेरे ख्याल से वो जो ग्रेटर और लोअर हमने लिखा था वो लिखने की जरूरत नहीं है, जबानी सोच लें। हमारी बुक्स में कितने पे कैरी हुआ हुआ है? 200 पे। और इसमें बेचारे एसेट में वर्थ कितनी रह गई है? तो 200 की चीज अगर हमें फ्यूचर में सिर्फ कितना देके जाए, तो इज इट लॉजिकल के इसको 200 पे ही पढ़ा रहने दें किताबों पे? इसको इम्पेयर करना पड़ेगा। कैसे इंपेयर करेंगे जी? इन दोनों का डिफरेंस ले लें, वर्सेस लिख लें, नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में ना पड़ें कि नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में नहीं पड़ना। लॉजिकली कैसे सोचना है, 200 इज ग्रेटर, 200 वाली चीज को किस पे लेके जाना है? 116 पे। नुकसान 84। ये 84 सर नेगेटिव में क्यों नहीं आ रहा? ओ भाई मर्जी, जैसे मर्जी साइन यूज करो, नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में ना पड़े। सिर्फ वर्सेस वाली कैलकुलेशन मैंने कर दी है, किसको किससे कंपेयर किया? कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से। और रिकवरेबल अमाउंट 116 आ रही है, इसका मतलब है हमारा एसेट सिर्फ 116 देके जा सकता है। तो इस 84 का क्या नाम रखूं? कल क्लास में मैं बात करूंगा, अगर ये फिगर ज्यादा होती तो क्या करते, कल बात करूंगा। इस 84 का नाम इंपेयरमेंट लॉस, और इसकी एंट्री इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट अकुमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। जो एंट्री डिपोजिशन की, डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन क्रेडिट, इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट अकुमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। थोड़ी जगह बना लेते हैं इधर। ये एंट्री सिर्फ किस साल करनी है? 31 दिसंबर 15 पे। एक तीसरी एंट्री हो रही है, इधर कोई तीसरी एंट्री नहीं, इधर कोई अगली एंट्री नहीं, इधर कोई अगली एंट्री नहीं, बल्कि इस साल तो दूसरी हो रही है। जी बोले, इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट अकुमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट 84। जी, P&L बैलेंस शीट।
प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द ईयर जाएंगी एज ऑन, और बैलेंस शीट में एज ऑन. सबसे पहले आप P&L बनवाए मुझे 2013 का, 14 का, 15 का. इससे आने वाले दिनों में कहूँगा तरतीब में ये होते हैं, 15 आप पहले लिखते हैं, लेकिन फिलहाल डेप्रिसिएशन 13 में डेप्रिसिएशन लिख दिया तो ठीक है, नेगेटिव भी लिखना है तो लिखने को मसला नहीं. डेप्रिसिएशन 100, 100, 100. इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस, ओ खुशी होगी ना हमें करें, ओ ओ खुशी होगी ना. और इधर 80 और इम्पेयरमेंट लॉस या लॉस ऑफ जी, ये फरमाइशी प्रोग्राम खत्म है. बैलेंस शीट क्या बनेगी जी, तख्ताए तवाजुन क्या बनेगी, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के आखिर में बीबी आया करेगी, ज्यादा देखिएगा जिंदगी में जब बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना रहे होंगे आखिर में असर की क्या आ जाएगी, बीबी. शुरू में नहीं बीबी आएगी, आखिर में. कॉस्ट लेस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेस अकमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस. डन. एज ऑन या फॉर द ईयर, एज ऑन. कॉस्ट 500. अगले साल कोई नया एसेट खरीदा, अगले साल कोई नया एसेट खरीदा, नहीं. अच्छा जी, पहले साल की डिविजन, पहले और दूसरे साल की जमा करके 100 जमा 100, 200. पहले और दूसरे और तीसरे साल की जमा करके 300. आप लिख रहे हो रेड शर्ट, कमाल. क्यों? बाद में लिखेंगे, मैं मिटाने लगा. अच्छा 300. डन. आज तक की डिविजन कितनी थी जिस वक्त इंपेयरमेंट ऐसे गुजारा, 300. डन. अब क्या माइनस करना है, ओ 22 फुल मगन है, ओ साल लगा नहीं, 84. बिल्कुल एंड पे क्या आएगी, बीवी. बीवी के लिए जगह बनाए, जगह है, मौजूद है. जी पहले साल के एंड पे बीवी, दूसरे साल के एंड पे बुक वैल्यू 300, तीसरे साल इंपेयरमेंट लॉस के बाद या इंपेयरमेंट लॉस से पहले वाली बीवी, बाद वाली बीवी 116. किसी की यहां तो नहीं नजर पड़ी 116 में, पढ़ रही है या पढ़ गई है? तो जाहिर बात है बुक्स में अब ऐसा जो है वो 200 पे नहीं आएगा. हाँ अब बीवी 200 पे नहीं आएगी ना, अब बुक्स में ऐसा 200 पे, 200 से गिर के एसेट, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर दिया. डन. होमवर्क कितने सवाल पसंद कर क्या करेंगे रोजाना, 3 या 4? कल आज रहने दो, आज इसी सवाल को होमवर्क में कर लें, जरा रिक्वायरमेंट पढ़ लें, पता चले रिक्वायरमेंट में कुछ और पूछा हो, रिक्वायरमेंट में पूछा हो एक्सप्लेन कर दो. कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस ऑन 31 December 2015. सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ ये थी, ये जो हमने वर्किंग में किया है, सवाल की रिक्वायरमेंट ये नहीं थी, जनरल एंट्रीज वगैरह करना, ये समझने के लिए. ठीक है जी, तो आपने बताने आज रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा हमें पढ़ा रहे हैं, अब्बू को जाके बताने. नहीं नहीं अब बोलना नहीं आपने क्लास के बाद. ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह कल मिलते हैं.